सिरसा शहर थाना पुलिस और महिला पुलिस ने बेगू रोड पर बनी सुख सागर कॉलोनी के एक मकान में रेड डालकर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से 3 युवतियों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। पकड़ी गई तीनों युवतियाँ सिरसा से धार की रहने वाली बताई जा रही है। दरअसल महिला पुलिस को सूचना मिली कि सुख सागर कॉलोनी के एक मकान में देह व्यापार का धंधा जोरों से चल रहा है। सिरसा पुलिस ने टीम का गठन कर छापेमारी की तो मौके से 3 लड़कियों और 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। इनके खिलाफ इमोरल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पकड़ी गई तीनों लड़कियां बठिंडा, दिल्ली और फतेहाबाद की रहने वाली है। पकड़े गए सभी लोगों को पुलिस द्वारा आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज मुखबरी मिली हमें कि सुख सागर कॉलोनी में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिस पर महिला एसएचओ की टीम को साथ लेकर हमने उस मकान पर रेड की। रेड करने पर वहाँ पर 3 लड़कियाँ और 3 लड़के मिले वहाँ, जो वेश्यावृत्ति का धंधा कर रहे थे, जिनको नियमानुसार गिरफ्तार किया गया है और आदमियों को इस्तेमाल किया जाएगा। वो इन्वेस्टिगेशन तो चल रही है, अभी सारी पूछताछ इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगी। इनमें एक लड़की दिल्ली से है, एक पंजाब से है और एक फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से है। इमोल ट्रैफिक एक्ट के तहत ये प्रचार किया है और गिरफ्तारियाँ की हमने। प्रथम टहलका के लिए सिरसा से सुरेंद्र सैनी की रिपोर्ट।